लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको हम जो है, क्या आप लोग हारमोनियम जानते हैं? जानते तो जरूर ही होंगे, अगर जानते हैं और देख भी रहे हैं ये हारमोनियम है, तो जो लोग काफी पुराने जो हमारे चैनल पर हैं वो तो काफी सीख गए हैं, उन लोगों को तो पता हो चुका है। बट जो लोग नए जुड़ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, जो लोग अभी अभी हारमोनियम खरीद कर लाए हैं, उन्हें जो है संगीत से लगाव है, संगीत से इश्क हो गया है, प्रेम हो गया है संगीत से, और संगीत बजाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले कैसे रिहाज करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो है उसी के बारे में ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं। ठीक है, बाकी भी और वीडियो बनाए हैं, लेकिन वो हमने जो है फोर लाइन के हारमोनियम में बनाए हैं। अब जो है हम सिंगल लाइन में आपको, यानी कि एक दो तीन चार, चौथी काली से आपको हम बजाना सिखाएंगे कि हारमोनियम कैसे बजाई जाती है, और सबसे पहले हारमोनियम में हमको क्या बजाना चाहिए, क्या रटना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप जो है एक ही मिनट में, दो ही मिनट में, तीन मिनट में इसे रियाज करेंगे, तो आपको करेक्टली मैं जो है दावे के साथ में कह रहा हूं कि आप लोग हारमोनियम आप लोग जरूर बजाने लगेंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज, अगर नए हमारे चैनल पे हो तो जो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हो या नए हो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका लाइक जो है बहुत हमारे लिए बहुत प्रेरणा हमको देता है वीडियो बनाने की। तो जो है आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम क्लासिकल और आधार ब्रजेश लाइन, ग्रामीण क्षेत्र लाइन, कोई सी भी लाइन बजाना चाहें तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, इस बात को आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास जर्मन की हारमोनियम है, इसमें आपको हम बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से जो है आप लोग हारमोनियम बजाएंगे, ठीक है। पहले इतने इसमें जो है 39 की होती है, ठीक है, गिनती करिएगा, यहाँ से बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34 और 39, यानी 39, ठीक है। जो है 39 की होती है, फिर अदर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है। 49 की का ये हमारा जो है हारमोनियम की बोर्ड होता है, ठीक है। जिसमें हमारे तीन सप्तक होते हैं, ठीक है। पहला सप्तक बोलते हैं जिसे हम मंद सप्तक, फिर मध्य सप्तक, ठीक है, सॉरी, पहला हमारा सप्तक जो हो गया है ये हो गया। यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं, वैसे हर एक से हम गा सकते हैं, हर एक सप्तक होता है, हर एक की पर रखकर उंगली, लेकिन हमें पीछे जो है पीछे के 20 सुरों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहाँ से 1, 2 पोर्शन आ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे हम जोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। पहला हमारा एक ये, पहला ये, ठीक है, एक एक, और इसी का 2, ठीक है, और इसी का फिर 3 हो गया है। अब ये तीनों के नाम सुन लीजिएगा, पहला जो है, पहले का क्या नाम है, ये हमारा हो गया है मंद सप्तक, ठीक है। अब ये वाला हमारा मध्य सप्तक, ठीक, ये वाला हमारा मध्य सप्तक, और ये वाला हमारा तार सप्तक, ठीक है। मंद सप्तक, मध्य सप्तक, मध्य सप्तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मध्य सप्तक, और हमारा तार सप्तक, ठीक है। तीन सप्तक हो गए, जिसमें हमारे कोड भी इसमें लगते हैं, ठीक है। बट जो है कोड फोर तो जो है वो आगे आपको आवश्यकता पड़ेगी, कोड क्या होते हैं वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए पहले हमें जो है, हमें बात ये आ जाती है कि हमको गाना कहाँ से है, ठीक है, हमको जो है गाना कहाँ से है, कहाँ से हमें सुर को पकड़ना चाहिए, ठीक है। हमने एक वीडियो में बताया था कि मैं इस चौथी काली से आपको बताऊंगा कि आप लोग इससे जो है किस तरीके से, इस पर गाने से आप लोगों को क्या फायदा होगी, ठीक है। अब आप समझिएगा क्या फायदा आपको होगी, ठीक। यहाँ से गाने से क्या है, सबसे पहले हमारा जो है गला खुल जाता है, ठीक है, और जब गला खुल जाएगा, गला खुलेगा यानी गला पक्का होगा, जैसे जो होता है ना, जैसे कहते हैं कि लोग जब कुम्हार होता है वो अपने यहाँ गला जो है कच्चा बनाता है, फिर उसे जो है आग में रखकर, जो हमारे कुम्हार लोग होते हैं ना, फिर उसे वो पक्का करते हैं, ठीक है। अर्थात ऐसे ही हारमोनियम का राग होता है कि हमें जो है यहाँ से हमारा गला कच्चा रहेगा ज्यादा, मतलब चीज सही यहाँ से भी गा लेंगे हम, बच्चे मीठा गाएंगे, सब कुछ गाएंगे, लेकिन कोई कोई ऐसे गीत हैं जो हमें यहाँ तक पूरा जो है पूरा इस साथ तक से और इस साथ तक आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब अगर हम इस साथ जोड़े तो यहाँ से लेकर और इस पूरे में ही, जबकि वो हमारे जो है मध्य सप्तक है, और जबकि वो हमारे ये मंद वाला मंद सप्तक है और इधर मध्य सप्तक है, तो काफी सुर का गीत तो ऐसे होते हैं
जो हमारे जो है मध्य सप्तक में चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम मध्य सप्तक से गाते हैं तो हमारे वो गीत तार सप्तक में चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें बट क्या है, तो हमें वहां हमें गला पहुंचाने में दिक्कत होती है, हमें ऐसा लगता है कि वहां पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। काफी लोग ऐसे होते हैं, काफी लोगों के सामने दिक्कत आ जाती है। आप लोग अगर नए नए हारमोनियम पर बजा रहे हैं तो आप सबसे पहले सीखिएगा कि हमको जो है यहाँ से बजाना चाहिए। क्यों बजाना चाहिए? यहाँ से हमारा गला पक्का हो जाएगा, चाहे वो क्लासिकल लाइन हो चाहे कैसी भी लाइन हो, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ। और इसके जबकि हमारे हिसाब से अगर मेरी मानी जाए तो जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गाने का तरीका ही कुछ आनंद ही और आ जाता है। जैसे हम कोई चीज गाते हैं, ठीक है, अब कितने आवाज में डिफरेंस है ये देख लेना। बन के अब वही चीज यहाँ से, अब यहाँ से देखना, साबन के कितना आवाज में परिवर्तन हुआ। आवाज जो है उतनी अच्छी नहीं बनी, जितना ऊपर हम गाएंगे उतनी अच्छी आवाज होगी। बट हमारा ये मकसद नहीं था, हमारा मकसद यहाँ से आपको मतलब गाने निकालने का तरीका समझाने का था, ठीक है। अब जो है हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले सबकी तरह तोती के तरह नहीं रटना है, हमको सिर्फ एक या दो अलंकार करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। ज्यादा कर जितना अलंकार करोगे उतना ही मूड जो है वो तुम्हारा खराब होता चला जाएगा, ठीक है। और होता भी है लोगों का, हमारे पास बहुत कमेंट आते हैं, गुरुजी हमने अलंकार कर लिए हैं, जो है हम जो है सब कुछ कर लिया है लेकिन गीत तो अभी निकलता ही नहीं है, हम वही अलंकार करते हैं। तो हमें दो अलंकार तो क्लियर ही करने हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा ये मेन वाला हो गया। और अलंकार करने का भी एक तरीका होता है, ये भी सुन लीजिएगा। अलंकार करने का क्या तरीका होता है, अलंकार करने का तरीका आवाज को खोल कर हमको अलंकार करना है, ठीक है, जिससे हमारा गला पक्का हो जाए, फिर हम लोग जो है मध्य आवाज में भी यानी कि बेस में बोल सकते हैं, बेस में भी कर सकते हैं। बट हमें सबसे पहले ट्रेबल में करना होता है, ठीक है। जैसे एक वाला और ये वाला, ये वाला अलंकार भी हमको करना होता है। कौन सा? सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, ठीक है। दो अलंकार तो हमें ये क्लियर ही करने हैं, बट हमें तीसरा भी और भी अलंकार जैसे अगर हमारी इच्छा हो रही है तो उससे क्या हो जाता है, हमारी उंगलियों की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे जैसे उदाहरण, ये हमारी स्पीड बढ़ जाती है उंगलियों की स्पीड, जिससे गीत हम कोई निकालते हैं तो हमारे उंगलियां जो है सीधा करेक्टली वहीं पर पड़ती हैं, ठीक है। हमें जो है कोमल सुर है उनके भी हमें अलंकार करना चाहिए, उनको भी हमें जैसे खुलती आवाज में तरीके से हमें जो है पूरा ही रटना होता है, ठीक है। अब हमें जो है ये सब कंप्लीट करनी होती है, समझ गए हो, इतना तुम्हें कंप्लीट करना है। अगर कर लिया तो जो है आपके गीत आगे के ट्यूटोरियल हम देंगे उसमें आप समझ जाएंगे गीत कैसे निकलते हैं, ठीक है। अब बट ये समझिएगा कि हमको सबसे पहले क्या बजाना होता है, सिंपल सा, वेरी सिंपल लोग बोलते हैं, जैसे एक जैसे सबसे पहले छोटा सा गीत हम बता रहे हैं, जैसे कि गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, ठीक है, कम नोट लगे, या फिर ये कि श्री राम जय राम जय राम,
भी सिंपल है, नागिन धुन भी सिंपल एक है, वो भी हम बताएंगे। जैसे इसमें सात सुर हमारे आए, सात सात गिनती आई, ठीक है। जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस तरीके से, ठीक है। ये कंप्लीट तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हारा निकलेगा ही निकलेगा। एक लहरा भी नागिन धुन है जैसे ये वाली, आगे का तो तुम नए हो तो नहीं बजा पाओगे, बट हम तुम्हें पीछे बता रहे हैं उतना तुम्हें कंप्लीट कर लेना है, जिससे आगे का तुम्हें अपने आप आने लगेगा। जैसे लहरा जो है तुम्हें बजाने में दिक्कत क्या होगी, ये भी समझ गए। अब जो है तुम्हें बजाने में दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर ये वाला तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक गिनती है जो इसे तुम पहले सीखोगे तो आगे वाला भी तुमको आने लगेगा। ये गिनती देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक, आठ की गिनती है। एक दो तीन चार, ठीक, एक दो, ठीक, एक दो तीन, ठीक, चार पाँच छ सात और आठ, ठीक है, समझ गए। देख फिर दोबारा देख लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। ये जो है तुम्हें इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर नए हो तो जरूर ये जो है अभ्यास करना, जरूर आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद।